चलो जी, हाइब्रिडाइजेशन की बातें करें तो हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वीबीटी के अकॉर्डिंग हमने जब मॉलिक्यूल्स को बनाना चालू करा तो उससे भैया ठीक ना, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी वगैरह की जो बातें करने हमने चालू करी वो काफ़ी जगह तो सही भी हुई बट काफ़ी जगह वो फेल हो गई। और उसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल हमने दिया था क्या, CH4 ठीक ना। तो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग डाल के नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में दो पॉइंट्स लिखना जल्दी से, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और उसमें ये दो लाइनें लिख लेना बस कि अकॉर्डिंग टू VBT अकॉर्डिंग टू क्या आपका VBT इन CH4, अकॉर्डिंग टू VBT इन CH4 ऑल फोर CH बॉन्ड, ऑल फोर CH बॉन्ड लेंथ ऑब्लिक बॉन्ड एनर्जी, ऑल फोर CH बॉन्ड लेंथ ऑब्लिक बॉन्ड एनर्जी शुड नॉट बी सेम, शुड नॉट बी क्या आपका सेम, बट एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट इन CH4, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट इन CH4 ऑल फोर CH बॉन्ड, ऑल फोर CH बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, ऑल फोर CH बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन क्या आपका ऑल रिस्पेक्ट, बिकॉज कार्बन एटम बिफोर फॉर्मिंग बॉन्ड, बिकॉज कार्बन एटम बिफोर फॉर्मिंग बॉन्ड अंडर गोइंग क्या आपका हाइब्रिडाइजेशन। अब ये भी पूछा जाता बॉन्ड पहले बनता है कि हाइब्रिडाइजेशन पहले होता भैया, हाइब्रिडाइजेशन पहले ना, कार्बन एटम बिफोर फॉर्मिंग बॉन्ड, बॉन्ड बनाने से पहले ही वो क्या हो जाता है आपका हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस शो करता है। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन है, ये तो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। अब डेफिनेशन लिख लो, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ, प्रोसेस ऑफ क्या आपका इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। The definition of hybridization is process of intermixing of pure atomic orbitals. Process of intermixing of pure atomic orbitals to form a new set of orbitals. Atomic orbital. Process of intermixing of pure atomic orbitals to form a new set of orbitals which are known as hybrid orbitals. ना हमारे पास खूब तरह के ऑर्बिटल्स के नाम आएंगे भैया, अभी हमने दो तरह के ऑर्बिटल्स के नाम ले लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, आगे और तीन तरह के ऑर्बिटल्स के नाम और लेने हैं हमें, कौन से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है ना। इनफैक्ट आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, ऐसी टर्म्स भी आपकी आती, होमो लूमो है ना। तो ये सब टर्मिनोलॉजी भैया ऑर्बिटल्स के नाम एटलीस्ट आपको सब पता रहे, अभी दो की बातें हुई हैं बट आगे और आने वाले हैं, सुना दिए मैंने अभी से ठीक है। तो विच आर नोन एज क्या आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज नोन एज क्या आपका हाइब्रिडाइजेशन। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, तुम कुछ डाउट पूछे थे बेटा उस समय, ऐसे हाथ खड़ा कर रहे थे, नहीं है ना। प्रोसेस प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के आपस में
इंटरमिक्स करके नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को बनाना, जिन्हें बुलाते हैं कौन से ऑर्बिटल्स हम लोग, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस प्रोसेस को बुलाते हैं हम लोग क्या, आपका हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अभी दिवाली है जैसा कलर चलता है भैया, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, अपना अस्तित्व लूज कर देते हैं, है ना। इंडिविजुअल जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनका अस्तित्व खत्म हो गया है ना। तो अभी दिवाली है, जैसे मेरे घर में भी कलर चल रहा भैया, है ना, काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं बिल्कुल, खूब गंदा काम है घर में, है ना। बैठे बैठे तो कलर करवाना खूब गंदा काम है। तो अभी बहस हो गई बीवी से मेरी, मेरे को लाइट कलर पसंद है, उन्हें डार्क कलर पसंद है। मैं वाइट कलर उठा के ले आया और वो टिंच लाल, बिल्कुल लाल सुड़क कलर जो होता वो उठा के ले आया, ठीक है ना। अब लगा के देखा भैया, वाइट तो फिर सदाबहार कलर है, कहीं पर भी लगा तो उठता ही उठता है। बाकी डार्क कलर आपको पता है कुछ समय के लिए अच्छे लगते हैं, बाद में वो बेकार लगते हैं। और कलर का डब्बा कभी वापस नहीं होता, ये भी पता है, क्योंकि बने हुए तो रहते नहीं, तुरंत वो इमल्शन है बेसिकली, वो तो तुरंत वो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ना। हर कलर वाले का एक मशीन होती है, वो तुरंत जो आप शेड बोलेंगे वो बना के दे देता है, तो वापस तो होने वाला नहीं। 5 डब्बे आ गए लाल कलर के और 5 सफ़ेद के आ गए, तो क्या करना है बताओ, मिक्स कर दिया, है ना। हमने 10 को क्या कर दिया भैया, मिक्स कर दिया, और उससे वाइट ने भी अपना अस्तित्व लूज करा, रेड ने भी अपना अस्तित्व लूज करा, इंडिविजुअल आइडेंटिटी दोनों कलरों की समाप्त हो गई। नंबर ऑफ डब्बे अभी भी 10 ही हैं, बट इंडिविजुअल अस्तित्व खत्म हो गया। अब सभी 10 डब्बे क्या हैं, आइडेंटिकल, ठीक है ना। तो इसलिए सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में हमेशा क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, इन साइज में, शेप में, एनर्जी में, हर रिस्पेक्ट में। और इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स हमेशा अपना अस्तित्व क्या कर देंगे, आपका लूज कर दें, ठीक है ना। तो अब हमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं जो मैंने अभी बोला है आपको, बस ये सिंपल सी प्रोसेस है भैया हाइब्रिडाइजेशन। तो अब लिखो मेन पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मेन पॉइंट्स ऑफ किसके, हाइब्रिडाइजेशन, है ना। फर्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। सेकेंड पॉइंट लिखना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल को निवेदन है आप सभी से, इतने समझदार आप हो, पूरा बार बार मत लिखना, एचओ लिखना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अपने नाजुक हाथों पे ज्यादा जोर मत देना, ठीक है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे। जैसे अभी मैंने इसलिए सिंपल सा एग्जांपल दिया, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया वो एक हाइपोथेटिकल केस था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट समझाने के लिए भैया, है ना, कि 5 डब्बे वाइट, 5 रेड, आपके 10 वो खत्म हो गए और 10 नए डब्बे बन गए। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने ही बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, कंबाइन, है ना। थर्ड पॉइंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड एनर्जी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप एज वेल एज इन एनर्जी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, एसपीडी, तो बेटा वो सब शेल्स के हिसाब से ना, इन जनरल अगर भरने के हिसाब से बात करें तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हो सकता है, फुल्ली फील्ड हो सकता है, और एम्प्टी। एसपीडी भी आप सही बोल रहे हो, बट मैं दूसरे वे में पूछना चाह रहा था, ठीक है ना। तो किस तरह के, तीनों में से कौन से ऑर्बिटल होंगे जो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करेंगे, तीनों ही, ऑल थ्री टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। मुझे पता था आप हाफ फील्ड ही बोलोगे, हाफ फील्ड भी कर सकता है, फुली फील्ड भी कर सकता है। अब क्यों, अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन क्या पता है आपको, sp3, तो कहाँ से आया sp3, तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर ही तो है। लोन पेयर मतलब पहले से वो ऑर्बिटल उसका क्या था, भरा हुआ था, फुली फील्ड था, तीन हाफ फील्ड थे और एक क्या आपका फुली फील्ड, और वैकेंट भी कर सकता है भैया। मैंने आपको बताया था जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना था NH3 और BF3 के बीच में, तो क्या हुआ था, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर बोरॉन को दिया था, वैकेंट ऑर्बिटल में ही तो दिया था, उसके बाद वो भी हाइब्रिडाइजेशन में, उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ था ना। तो ये भी थ्योरेटिकल चीज़ें भी पूछता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। अगला पॉइंट ये, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब AO ब्रैकेट में लिख लेना, हाफ फील्ड, फुली फील्ड एंड एम्प्टी, हाफ फील्ड, फुली फील्ड एंड एम्प्टी कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ऑल थ्री टाइप्स ऑफ AO एटॉमिक ऑर्बिटल
ब्रैकेट में हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड एंड क्या आपका एम्प्टी, कैन पार्टिसिपेट इन किसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगला पॉइंट, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमेशा क्या होना चाहिए, या तो सेम एनर्जी के या फिर नियरली सेम एनर्जी, है ना। तो अगला पॉइंट ये, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी, है ना, सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी, है ना। व्हाट डज इट मीन, आप 2s का 2p से ओवरलैपिंग मतलब इंटरमिक्सिंग करा सकते हो, नियरली सेम एनर्जी है। आप 3s की 3p से इंटरमिक्सिंग करा सकते हो, अधिकार है आपके पास। आप 3s 3p और 3d का इंटरमिक्सिंग करा सकते हो, ये भी अधिकार है, है ना। आप 3d का 4s और 4p के साथ भी इंटरमिक्सिंग करवा सकते हो, ये भी अधिकार है। नियरली क्या है आपका, सेम एनर्जी, है ना। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया, दो डिफरेंट सबशेल्स, दो डिफरेंट क्या आपका, दो डिफरेंट नहीं, क्या बोलना चाह रहा था, दो डिफरेंट सबशेल्स नहीं, दो सेम सबशेल ऑफ डिफरेंट शेल, दो सेम सबशेल मतलब एस लिया है तो एस, पी लिया है तो पी, डी लिया है तो डी, दो सेम सबशेल ऑफ डिफरेंट शेल, ये कभी भी आपस में इंटरमिक्स नहीं हो सकता। मतलब 1s का 2s से कभी भी इंटरमिक्सिंग अलाउड ही नहीं है ना, 2p का 3p के साथ कभी भी इंटरमिक्सिंग अलाउड नहीं, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अगला पॉइंट ये, टू सेम सबशेल ऑफ डिफरेंट शेल्स, टू सेम सबशेल ऑफ डिफरेंट शेल्स कैन नेवर अंडरगो इंटरमिक्सिंग। आप 2p की 3p के साथ कभी भी इंटरमिक्सिंग नहीं करा सकते, है ना। आप 3d की 4d के साथ कभी भी इंटरमिक्सिंग, क्योंकि बाद में ऐसे जब हाइब्रिडेशन आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, बच्चों को आता है सर डी, हम हाइब्रिडेशन क्या बोलते हैं, या तो sp3d2, अगर ये कॉम्बिनेशन होगा बच्चों तो हाइब्रिडेशन इज sp3d2, है ना। आप रिपीटर हो थोड़ा बहुत पता है, इसलिए मैं आगे की भी बात करूंगा, और ये कॉम्बिनेशन होगा तो d2sp3। अब बच्चे के दिमाग में आता है सर वाई नॉट dsp3d, इधर अंदर वाले का 3d का एक d ले लो, 4s का एक वो ले लो, 3 4p ले लो और एक d वाला भी ले लो। तो भैया उसका लॉजिक मैंने अभी बता दिया है, दो सेम सबशेल डिफरेंट शेल की कभी भी आपस में इंटरमिक्स नहीं कर सकती, क्योंकि उनके बीच का एनर्जी गैप क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है ना, इस तरह का ऑर्बिट हाइब्रिडेशन हमारा नहीं होने वाला, ठीक है। चलो अगला पॉइंट नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन तो गए, अब ये स्पेस में किस तरह से ओरिएंटेड होना चाहेंगे, है ना। ये स्पेस में इस तरह से ओरिएंटेड होंगे कि इनके बीच का रिपल्शन कम से कम हो, और क्योंकि ऑब्वियसली इनमें तो इलेक्ट्रॉन ही आने वाले ना भैया, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन। तो ये इस तरह से ओरिएंटेड होना चाहेंगे स्पेस में कि इनके बीच का रिपल्शन कम से कम हो, है ना। तो अगला पॉइंट यही हमारा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल ओरिएंटेड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल ओरिएंटेड इन स्पेस, हाइब्रिड ऑर्बिटल विल ओरिएंटेड इन स्पेस इन सच ए वे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल ओरिएंटेड इन स्पेस इन सच ए वे दैट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विल बी मिनिमम। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल ओरिएंटेड इन स्पेस इन सच ए वे दैट इंटर एटॉमिक, सॉरी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विल बी क्या आपका, मिनिमम, ठीक है। इसी से हमारी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स गवर्न होंगी, और लास्ट और फाइनल पॉइंट है आपका, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ना। पी की दोनों लोब्स क्या थी हमारी, सिमेट्रिक थी,
या डी की भी अब जितना लेफ्ट साइड में बनाया उतना ही राइट साइड, एस पूरी तरह से क्या था आपका स्फेरिकल। बट अब अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप की बात करेंगे उसमें सबने ने एस ने और पी ने डी ने सबने अपना अस्तित्व लूज कर दिया है, उनको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, एक छोटा लोब और एक क्या आपका बड़ा लोब। और ये जो साइज ऑफ बिगर लोब है ये डिपेंड करेगी किसके ऊपर, आपका परसेंटेज पी कैरेक्टर है ना। एस पी होगा तो पी कैरेक्टर 50 है तो छोटा होगा, एस पी टू में पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो इसकी लेंथ थोड़ी सी और बढ़ाओगे, एस पी थ्री में और बढ़ेगा तो थोड़ी सी आपको लेंथ क्या करनी पड़ेगी और बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब लिखो बच्चों, ये पॉइंट्स हो गए समझ में आ गए, हाइब्रिडाइजेशन की नीड समझ में आ गई। अब जल्दी से डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तीन एस पी। अब बच्चों जैसे हम डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, बस सुना दे रहा हूँ कि एस पी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब पूछे तो क्या बोलोगे आप, वेन वन एस एंड वन पी एटोमिक ऑर्बिटल अंडरगो इंटरमिक्सिंग फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नोन एज क्या आपका एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल ना। तो इसमें एक एस ये एस है आपका और एक क्या आपका पी, ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं और ये इंटरमिक्स होकर दो ही नए है ना टू न्यू एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। अब हमने बोला भैया इन्हें स्पेस में इस तरह से ओरिएंटेड होना है कि इनका क्या हो रिपल्शन भी कम हो, तो किस तरह से ओरिएंटेड होंगे बच्चों, है ना लीनियरली, ठीक है ना। अब छोटा लोब बस एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि छोटा लोब इस तरह से अंदर आ जाता है, इसका इधर इसका इधर, बट आगे हमें इनको बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो आपसे बस जो पूछा जा सकता है जो आपको ऑलरेडी पता है कि भैया एस पी हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, अब ये एंगल कितना है हमारा 180, तो बॉन्ड एंगल पूछा जाएगा कितना 180 डिग्री, शेप पूछेगा तो क्या लीनियर, ठीक है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली चीज़ पूछ सकता है कि पी कौन सा लोगे इसमें आप, एस में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, एस का तो एक ही सबशेल होता है, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल है पी एक्स पी वाई पी जेड, तो पी कौन सा लिया जाए डिपेंड करता है कि आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की, यहाँ हम कोई बात नहीं करें बेटा, यहाँ हम बात करें कि आपने जो शेप लीनियर बनाई है वो अलोंग किस एक्सिस बनाई है। अगर आपकी शेप आपने बनाई है अलोंग कौन से एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो आप कौन सा लोगे पी एक्स, अगर वाई एक्सिस के अलोंग बनाओगे तो पी वाई, और जेड एक्सिस के अलोंग बनाओगे तो पी जेड, ठीक ना। और रही बात कुछ एग्जाम्पल्स की, तो लाइक आपका बी सी एल टू है ना सी ओ टू, एक दो एग्जाम्पल लिख दे, बस हाइब्रिडाइजेशन जो और अगली थ्योरी बस हाइब्रिडाइजेशन खत्म करते ही जो आएगी बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है ना। दोनों में फ़र्क इतना है कि हाइब्रिडाइजेशन ने अभी लोन पेयर को अकाउंट में नहीं लिया है, ठीक है ना, उसने केवल सिंपल सिंपल जिनमें लोन पेयर नहीं हो, तो अभी जो मैं एक एक दो दो एग्जाम्पल लिखूंगा वो वही लूँगा, उसने उसको भी ले लिया था। तो एस पी टू की अगर हम बात करते हैं तो एस पी टू का मतलब क्या है, एक एस और दो पी, ठीक है ना, एक एस और दो पी आपस में इंटरमिक्स करेंगे, ये अब स्पेस में किस तरह से ओरिएंटेड होंगे, ठीक है, ये स्पेस में इस तरह से ओरिएंटेड हो जाएंगे कि इनके बीच का एंगल कितना हो जाए आपका 120, इनके बीच का 120 डिग्री एंगल हो गया, मतलब अगर हम इस बॉन्ड एंगल पूछा जाए तो 120 डिग्री, शेप बोली जाए तो कौन सी ट्रायंगुलर प्लेनर शेप पूछी जाएगी, तो ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है जी। इसमें भी अगर पूछ ले कौन सा एस में तो फिर पूछने की बात ही नहीं है, पी कौन से वाले लिए जाएंगे, तो ट्रायंगुलर प्लेनर आपने जो बनाया है वो किस प्लेन में लिया है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। अगर आपने एक्स वाई प्लेन में लिया है तो पी एक्स पी वाई, अगर वाई जेड प्लेन में ले रहे होगे तो पी वाई पी जेड, और अगर एक्स जेड प्लेन में ले रहे होगे तो पी एक्स और पी दैट, इस तरह से ले लो, है ना। एग्जाम्पल जैसे आपके यहाँ पर बी सी एल थ्री है ना, सी टू एच फोर, यहाँ पर सी टू एच टू, एक दो लिखते चलो अभी, तो इस तरह से ही हमारा दिस इज द अवर एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट ज्योमेट्री को पूछे प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, 8-10 मॉलिक्यूल लिख दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेनर नॉन प्लेनर, तो पहली वाली तो प्लेनर ही है, दूसरा वाला भी प्लेनर ही है, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए
मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, अब जो मैं बोलते जा रहा हूँ वही क्वेश्चन है बच्चों, है ना, बस लिखवा नहीं रहा हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन इन BCl3, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। जो हम पढ़ रहे हैं उनके क्वेश्चन कैसे आएंगे बता दे रहा हूँ। 10 कंपाउंड लिख दिए, आजकल इंटीजर टाइप का तो पैटर्न चल ही रहा, इनमें से कितने मॉलिक्यूल्स प्लेनर है, इसमें से कितने मॉलिक्यूल्स नॉन प्लेनर है ना, इनमें से कितनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp3 है, कुछ भी, ऐसे 8-10 कंपाउंड लिख के ऐसे इंटीजर टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब उसके बाद भैया प्लेनर नॉन प्लेनर के अलावा नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं सेम प्लेन में, ये भी पूछ सकता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि BCl2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन, तो तीनों सेम प्लेन में है ना भैया, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। C2H2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन, ऑब्वियसली प्लेनर है तो चारों सेम प्लेन में ही होंगे, है ना। CO2 में पूरे के पूरे तीन सेम प्लेन में होंगे। BCl3 में पूछूंगा, अब इनको लोग अलग अलग हेडिंग में कराते हैं, मैं कोई हेडिंग नहीं कराऊंगा, मैं सब कंपाउंड जो बनते जा रहे हैं स्ट्रक्चर तो हम पहले ही सबकी सीख चुके हैं, है ना। अब बस उनका, अब जैसे BCl3 की स्ट्रक्चर मैंने पहले ही सिखा दी थी आपको लुईस ऑक्टेट रूल में, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, तीन, न्यूट्रल बोरॉन तीन बॉन्ड बनाता है, बट तब हमने केवल बी के साथ Cl कहीं पर भी डाल दिया था। अब अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर बोलेगा BCl3 की, तो अब बोरॉन को सेंटर पर रखोगे और तीनों क्लोरीन इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोनों पर रख दोगे, अब बस इतना सा होगा, है ना। तो स्ट्रक्चर हम बनाना तो सीख चुके हैं, अब उनका ये करना है। तो इसमें चारों एटम क्या हो गए आपके सेम प्लेन में। C2H4 में पूछे इसमें क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन 6 हो जाएगा। ये पूरा प्लेनर ऑब्जेक्ट है बच्चों, है ना, इसलिए मैंने बार बार बताया भी था, शायद लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि C2H4 का जो पाई बॉन्ड होता है, ये C2H4 ही तो है, इसका पाई बॉन्ड कहाँ पर होता है, मॉलिकुलर प्लेन में, ये है मॉलिकुलर प्लेन, कौन सा, अगर मैंने XZ ले लिया इसे, XZ ही है ना ये प्लेन, XZ कैसे होता है ये भी बच्चे इमेजिन नहीं कर पाते भैया। जो जो एक्सिस आ रही है भैया, ये एक्सिस आ रही है तो एक्स हो गई, और बाहर वाली आ रही तो जेड, तो XZ प्लेन है। इस XZ प्लेन में CC यहाँ रखे हुए हैं, HH यहाँ रखे हुए हैं, H यहाँ, तो 6 के 6 एटम्स क्या हो गए आपके सेम प्लेन में। पाई बॉन्ड क्या है इसका, परपेंडिकुलर, यस और नो, तो पाई बॉन्ड का नोडल प्लेन जो हो गया वो पूरा आपका मॉलिकुलर प्लेन ही हो गया, जो बीच से क्या हो रहा आपका कट हो रहा, ठीक है ना। तो इस तरह के भी क्वेश्चन अलग हेडिंग में ना करके, जो जो वेल नोन का, मतलब मुझे 2-4-10 कंपाउंड का आइडिया देना है, उसके बाद तो वो आर्बिट आप इनको रट तो आप भी नहीं सकते भैया, मैं 50 के लिखा दूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ सेम प्लेन, तो क्या आप रट के जाओगे क्या, नहीं। आपको तो जो भी नया कंपाउंड आएगा उसमें उसकी स्ट्रक्चर से खुद डिसाइड करना रहेगा, ठीक है। चलो जी, अगला हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तीसरा कौन सा हमारा, sp3, है ना, वेन 1s and 3p। अब तीनों p आ गए इसमें, और तीनों पी आ गए हैं, तो अब मुझे आपसे ये पूछने की जरूरत ही नहीं है कौन सा पी, क्योंकि इसमें PX भी आ गया, PY भी आ गया और PZ, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, 4 new sp3 हाइब्रिडाइज के आपका ऑर्बिटल, और वो आपका अभी प्लेनर ज्योमेट्री होगी कि नॉन प्लेनर, क्योंकि अगर आपने प्लेन में रखने की कोशिश करी तो आप कितना एंगल दोगे इन्हें, 90, जबकि नॉन प्लेन में रखने पर हम इन्हें 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल दे सकते हैं। ये 109 डिग्री 28 का एंगल आता कहाँ से, ठीक ना। तो इस तरह से इस ज्योमेट्री का नाम है क्या आपका, इस ज्योमेट्री का नाम है क्या आपका, टेट्राहेड्रल, है ना। सबके छोटे छोटे लेब और होंगे, वो मैं शो नहीं कर रहा हूँ। बॉन्ड एंगल की बात करें तो 109 डिग्री कितना आपका, 28 मिनट, ठीक है ना। तो ये एक नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल अगर बोलेगा तो 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। NCERT बुक में 109.5 डिग्री दिया गया है, एक बच्चा लड़ लिया सर गूगल में भी वही मिला है, ठीक है ना, मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया भैया, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 28 मिनट मतलब लगभग आधा डिग्री हो गया, तो उन्होंने 109.5 डिग्री लिख दिया, है ना। कॉमनली बोलते वक्त हम इसे 109 डिग्री 28 मिनट भी बोलते हैं, ठीक है ना। शेप का नाम है इसकी कौन सी, टेट्राहेड्रल, तो शेप इज नोन एज आपका टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं, है ना,
क्योंकि बच्चों को टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल इनके मतलब ही नहीं पता होते। शबीर अली हेट्रा नहीं रे, टेट्रा, फिर वो मुझे पता है आपने लिखने में गलती कर दी होगी। इसमें चार फेसेस बनती हैं, इस वजह से इसका नाम है टेट्राहेड्रल। कैसे बनी चार फेसेस भैया? ये तीनों एक ट्रायंगल बना रहे, एक ट्रायंगुलर फेस ये है, अब एक ऊपर से, तो ऊपर वाले का अगर मैंने इन्हें 1 2 3 नाम दे दिया, इसको 4, तो 1 2 और 4 के साथ भी एक ट्रायंगल बनेगा, 1 3 और 4 के साथ भी एक ट्रायंगल बनेगा, और एक ट्रायंगल आपका 2 4 और 3 के साथ भी बनेगा। इसमें चार ट्रायंगल, ऑक्टाहेड्रल, जैसे बच्चों को लगता है ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल, उसमें 8 ट्रायंगुलर फेसेस बनती हैं, इसलिए उस ज्योमेट्री का नाम है क्या, ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का मतलब ध्यान रखना, इसमें 4 ट्रायंगुलर फेसेस बन रही हैं। तो आइकोसाहेड्रल का भी पूछ लेगा, उसमें 12 फेसेस बनती हैं। आइकोसा का मतलब होता है 12, टेट्रा का मतलब होता है 4, ऑक्टा का मतलब 8, डेकाहेड्रल बोल देगा तो 10। तो वो चीज़ें भी पता होना चाहिए। जेई में एक बार पूछा गया था, हम नंबर ऑफ एंगल्स टोटल 109 डिग्री 28 मिनट वाले कितने एंगल्स हैं इसमें? ठीक है ना, 6 हैं, 4C2। मतलब एंगल कैसे डिफाइन करते हो भैया? एंगल के लिए मिनिमम 2 आपके पास लाइन है, मतलब इनडायरेक्टली आपके पास 3 एटम होने चाहिए, तभी तो बॉन्ड एंगल की बातें करोगे आप। ये ए है, ये बी है, ये बी है, इनके बीच का एंगल ही क्या कहलाएगा हमारा, बॉन्ड एंगल। आगे हमें बॉन्डिंग पैरामीटर्स की भी बात करनी है, तो 4 कहाँ से हो भैया, 6 हुए, इनडायरेक्टली 4C2 है भैया, इनडायरेक्टली कौन सा है, 4C2। अगर मैं 1 2 3 4 नाम दे दूँ, तो 1 और 2 के बीच का, 1 और 3 के बीच का, 1 और 4 के बीच का, हो गए 3, 2 और 3 के बीच का, 2 और 4 के बीच का, 5, और 3 और 4 के बीच का। तो ये भी पूछा गया फेसेस कितनी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपसे ट्रायंगुलर फेसेस कितनी है, बॉन्ड एंगल कितने हैं। अब इसमें भी भैया नॉन प्लेनर तो आपने बोल दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अगर बात करेगा, मान लो हमने एक एग्जांपल लिखा CH4, तो भले हाइब्रिडाइजेशन सिंपल है, बट क्वेश्चंस ये टेढ़े मेढ़े आएंगे, उनसे आपको बचना है, इसलिए सब इन्फॉर्मेशन में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं CH4 बोल रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स CH4 में एक प्लेन में 3, है ना, यहाँ तो आप इन तीनों को एक प्लेन में ले लो, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट में आप टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ते हो, कैसे बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड, 3 स्फीयर्स को आपने टच करके रख दिया, वही बस 3 सेम प्लेन में हो गए, चौथा उनके ऊपर रखा है, ठीक है ना, और बीचों बीच जो बन गया वॉइड वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो CH4 भी वही है, हम एज्यूम कर सकते हैं कि तीनों एच पहले मैंने नीचे रख दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है ना, एक एच ऊपर रखा और बीच में क्या रख दिया, कार्बन। तो ये एक अलग प्लेन में है, ये एक अलग प्लेन में और वो एक अलग प्लेन में, है ना। या फिर आप जो वेज डैश डायग्राम बनाते हो, वेज डैश में कैसे करते हो आप, सी सेंटर पर, है ना, ये सी है, यहाँ पर 2 ऐसे रखते हो और 2 ऐसे, तब भी आप कोई भी प्लेन कट करोगे तो मैक्सिमम 3 ही आएंगे, ये वाला एच, ये वाला एच, और बीच में आ गया कौन सा, कार्बन। या ये प्लेन ले लो या फिर ये प्लेन ले लो, वो ऑर्गेनिक में आपको ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी आपसे पूछ सकता है कि CH4 में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन, तो ये मैं कुछ कुछ के लिए भैया एग्जांपल्स बता दे रहा हूँ कि आपका इमेजिनेशन डेवलप हो जाए, क्योंकि आप इन्हें रट के नहीं जा सकते हो, वो जो भी मॉलिक्यूल देगा उसमें आपको खुद निकालना पड़ेगा। क्लियर जी ये सब? हाँ, cos थीटा वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये फॉर्मूला है, उसको आपको लगाओगे तुरंत आपको बॉन्ड एंगल पता पड़ जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट का। एस कैरेक्टर से तो बेटा वो एस कैरेक्टर वाला फॉर्मूला आपने कहीं कुछ देखा हुआ होगा, वो आजकल मैंने छोड़ दिया है पढ़ाना, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो अलग चीज़ है ना। उससे तो sp3 के अंदर हम बोल रहे हैं sp3 में परसेंट एस कैरेक्टर कितना है, 25%, और पी कितना है, 75, बट ये जरूरी नहीं कि हमेशा हो, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। जैसे लोन पेयर आ गया, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp3 है, बट अमोनिया में एस कैरेक्टर आपका, ठीक है ना, 25 नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर परसेंट एस कैरेक्टर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, लोन पेयर उल्टे परसेंट एस कैरेक्टर को बढ़ा देता है। ये अभी हम पढ़ेंगे आपका बैंड्स रूल में, तो वो फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। अगला हाइब्रिडाइजेशन है हमारा कौन सा, sp3d, ठीक है ना। sp3d का मतलब अब आपने एक s, 3p, 3p है, तो मुझे कुछ बोलने की
जरूरत ही नहीं है। और एक डी, डी कौन सा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता हमारा, है ना। तो ये जब आपस में कंबाइन करेंगे, अभी मैंने डी छोड़ दिया है, अब मैं शेप भी नहीं बना रहा हूँ, मतलब इनकी ये आपको पता ही है। तो 5 न्यू आपको sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 5 नए sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अब 5 मिले हैं भैया, तो इनको मैं प्लेनर में रखूँ कि नॉन प्लेनर में रखूँ, पता सबको आपको है, मैं बस जल्दी जल्दी सुनाते चल रहा हूँ। प्लेन में रखोगे बच्चों तो आप एंगल कितना दोगे, 72 डिग्री, वो तो उल्टे और अनस्टेबल हो रहा है ना। हमें तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को मिनिमाइज भी करना है, तो हम इस ज्योमेट्री को भी क्या बोलते हैं, नॉन प्लेनर, दैट ज्योमेट्री इज ऑल्सो नॉन प्लेनर, ये एक नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। अब इसमें क्या करेंगे, नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है तो कैसे दें, इस ज्योमेट्री का नाम होता है TBP, TBP का मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। वॉट इज द मीनिंग ऑफ TBP ज्योमेट्री, है ना, ये बाई पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री का दूसरा नाम, अल्टरनेटिव नेम, ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो ये भी भैया पूछ सकता है आपसे, तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है, आपका एक स्क्वायर बना है, एक ऊपर था एक नीचे, तो ऊपर वाले ने भी क्या करा, पिरामिड बनाया, नीचे वाले ने भी एक पिरामिड बनाया, तो इसलिए स्क्वायर क्या हो गया, बाई पिरामिडल। यहाँ पर आप बोल रहे हो ट्राइंगुलर या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मतलब बेस आपका ट्रायंगल का है, एक पिरामिड ऊपर से बन रहा है, ये तीन ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल है, तीन कॉर्नर ये हो गए। अब एक एटम ऊपर होगा तो वो तीनों को जब जोड़ेगा तो क्या करेगा, एक पिरामिड बनाएगा, एक यहाँ पर होगा ये भी क्या बनाएगा, एक पिरामिड। इसलिए ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मतलब इसका बेस आपका ट्रायंगल का होना चाहिए, इस तरह से आपने इसका बेस ट्रायंगल का रखा है, ठीक है जी। मतलब तीन ऑर्बिटल्स आप 120 डिग्री पर ओरिएंटेड करके चलते हो, और दो ऑर्बिटल क्या होते हैं इनके, एक ऊपर और एक नीचे, लाइक दिस, ठीक ना। तो ये आपका 120 डिग्री एंगल है, और ये वाला एंगल इनके बीच का बोलेंगे तो 90 डिग्री। अब किसके कितने एंगल हैं, अभी मैंने आपसे बात करी थी, फर्स्ट वाली ज्योमेट्री एसपी में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसमें तो केवल एक ही बॉन्ड एंगल है, सही है ना। इसमें बॉन्ड एंगल की नंबर पूछता तो तीन, एसपी इसमें तीन बॉन्ड एंगल है, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। इसमें बताई दिए मैंने 6, इसमें बोलूँगा अगर मैं आपसे 120 डिग्री वाले कितने तो 3, ठीक है ना, 90 वाले कितने 6, क्योंकि ऊपर वाला भी सभी से 90 पर है, नीचे वाला भी सभी से 90, और 180 वाला पूछेगा तो 1 ना, हालांकि 180 पूछना नहीं चाहिए, बाकी पूछ लेता कभी कभी, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्यों बना वो मैंने समझा दिया है, इसका वेल नोन एग्जाम्पल है क्या हमारा PCl5। अब बताओ डी कौन सा होना चाहिए, अगले क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, है ना। वापस नॉन प्लेनर तो मैंने बता ही दिया है, इसमें भी अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन की बात करें तो एक एक वेल नोन एग्जाम्पल हर केस का मैं मतलब करा दे रहा हूँ, उसके बाद अब आपको दिमाग लगाना रहेगा। हाँ बोलो, तो पहली चीज क्या पूछी मैंने आपसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन कितने, 4, 3 कहाँ से हो जाएंगे, बताता 4 ही बोलो भैया। यहाँ पे भी तो ये PCl5 कैसे बनेगा, P सेंटर पे होगा, Cl Cl Cl, तो ये चारों तो एक ही प्लेन में हो गए ना, सेंट्रल एटम को क्यों भूल रहे हो। हाइब्रिडाइजेशन किसका है, ये Cl का है कि P का है, P का, सेंट्रल एटम का, तो वो तो कोर पे है ही आपका, ये दोनों आपके अलग प्लेन में हो गए। कभी आपसे बहाने से बोल दे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन आर x, मिनिमम नंबर एटम्स इन ए प्लेन आर y, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x प्लस y, x माइनस y, x इंटू y, कुछ भी। तो अगर मैक्सिमम आप बोल रहे हो 4, मिनिमम बोलूँगा तो फिर से 3 भैया, 2 कहाँ से, ये ले लोगे ये प्लेन, इस प्लेन में मतलब वापस P भी आएगा और दो ऊपर नीचे से Cl Cl भी आएगा, तो तब मिनिमम वाले हो गए 3। अब इनकी जो भी वैल्यू पूछ ले, x प्लस y पूछेगा तो 7, x माइनस y पूछेगा तो 1, x इंटू y पूछेगा तो 12, तो वो उसकी मर्जी है, तो इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है ना। अब अगली चीज़ भैया, अभी से चीज़ें बता दूँ, लिखवाऊँगा आगे, ठीक है ना। हमें दो टर्म्स और समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बैंड रूल की एप्लीकेशन उसी से आपको गवर्न होगी, और आप रिपीटर के हो तो आपको मैं आगे की बातें करते हुए चल सकूँगा, है ना।
कि भैया यहाँ पे तो मैंने चारों पांचों एटम PCl5 सेम लिए, तो Cl को कहाँ रखूँ मैं, कहीं पे भी रख दूँ, है ना। यहाँ पे CH4 था, अगर मैं CH4 की जगह आपको CH2Cl2 दे देता, तो क्लोरीन किस पोजीशन पर रखते और हाइड्रोजन किस पोजीशन पर रखते, ठीक ना। दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है, किस पोजीशन पर रखूं? किसी को भी कहीं भी रख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भले दो एच को एक साथ रख दो, दो सी एल को एक साथ रख दो, एच सी एल रख दो, जैसे रखना हो कहीं पे भी रख दो। यहाँ पर मैंने केवल BCl3 लिखा है, अगर मैं BCl3 की जगह BClFi ऐसा कंपाउंड दे देता, जो देख कर आपको उल्टी आने जैसा मन करता कि सर हम तो ऐसे देखते ही नहीं, बट कर सकता भैया। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑल द सराउंडिंग एटम शुड बी सेम, सराउंडिंग एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं, बैंड रूल यही एप्लीकेशन समझाता है भैया, ठीक है ना। कि यहाँ पर आप कहाँ कहाँ पर किसको रखोगे, तो यहाँ पर भैया कहीं पर भी Cl को रखो, कहीं पर भी I को रखो, कहीं पर भी F को रखो। ऐसा क्यों? बिकॉज ये सब आपके इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये सब कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितने तरह का आ रहा, केवल एक ही तरह का आ रहा है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल एक ही तरह का आ रहा है। तो भले सराउंडिंग एटम बदल जाए या लोन पेयर आ जाए, क्योंकि वैलेंस शेल थ्योरी में लोन पेयर का ही तो रोल है, और सराउंडिंग एटम्स का रोल आ जाएगा भैया, IO3F2 आ जाएगा। अभी मैं सराउंडिंग एटम इसलिए नहीं बदल रहा था क्योंकि अभी मैं पहले हाइब्रिडेशन समझाना चाह रहा हूँ, बट स्टिल मैंने कहा बातें अभी से कर दूँ क्योंकि डायग्राम फिर बार बार पीछे कौन ले जाएगा। अगर इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनमें बॉन्ड एंगल क्या है आपका सेम है, एक ही तरह का बॉन्ड है, उसमें लोन पेयर आ जाए या डिफरेंट सराउंडिंग एटम आ जाए, आप उन्हें किसी भी पोजीशन पर रख सकते हो, किसी भी पोजीशन पर। बट अगर यहाँ पर इस कंपाउंड को मैंने PCl3F2 कर दिया, क्या कर दिया, तो आपको फ्लोरीन की पोजीशन पता होना चाहिए कि कहाँ रखोगे, बिकॉज दिस इज नॉट अ इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यहाँ पर आपके पास दो तरह के एंगल हैं बच्चों, यहाँ ये वाला एंगल है 120 और ऊपर वाला एंगल है क्या आपका 90। तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ें सोचने का काम करवाया था किसने, बेंट ने, और यही बस थोड़ा सा एडवांस लेवल में वहीं पर आपको परेशान करेगा। तो अभी वो बताऊंगा मैं चीज़ें आपको, बस इतना बता दे रहा हूँ कि शुरू ये नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल का केस है, इसके पाँचों हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम नहीं है। पुराने वालों को क्यों सेम थे समझा दिया था, क्योंकि उनमें सबके बॉन्ड एंगल क्या है आपका सेम है, यहाँ बॉन्ड एंगल डिफरेंट है। इट इज़ द केस ऑफ नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, और नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही जब लोन पेयर या डिफरेंट सराउंडिंग एटम आ जाएंगे, तो ही आपको अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि आखिर उन्हें किस पोजीशन पे रखा जाए, और वो हम समझेंगे आगे। अभी के लिए हाइब्रिडाइजेशन में इतनी चीज़ मैंने रफ हिंट दे दी है, इसको नोट बना के आगे लिखाऊंगा, अभी बढ़ूँ आगे, ठीक है ना। और ये रीज़न भी आप सभी को पता भी होगा, इसकी एप्लीकेशन भी बता दूँ। PCl5 को हल्का सा गर्म करते ही क्या होता है, तो क्यों टूट जाता है भैया? CH4 तो ऐसे नहीं टूट रहा, या कोई और दूसरा, ये आसानी से टूट जाता है, क्योंकि इसमें दो तरह के, अगर आपसे पूछ ले कि ऑल 5 PCl बॉन्ड लेंथ्स आर आइडेंटिकल इन PCl5, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स है, ये तो पता ही है आपको, और ये भी पता है टूट जाता है। तो इसका मतलब ये, अगर जब भैया एटम दोनों सेम है ना, फॉस्फोरस और Cl, तो फिर तब भी आप बोल रहे हो कि पांचों बॉन्ड लेंथ्स सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने थे वो इक्विवेलेंट नहीं है, कोई छोटा है और कोई बड़ा है, ठीक है ना, कोई छोटा है और कोई क्या है आपका बड़ा है, ठीक है ना। अब मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ पर डी कौन सा वाला यूज़ होता है, तो यहाँ पर डी हमेशा जेड स्क्वायर वाला, ये आपसे पूछ लेगा ऐसा क्यों, डी जेड स्क्वायर वाला ही क्यों यूज़ हो रहा है भैया? आपने ये प्लेन ले लिया है, बेसिकली SP3D इज नथिंग बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ SP2 और PD, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस का, SP2 और PD, इसलिए आपके ये नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल का एग्जांपल है। यहाँ पर आपका S भी आया, PX भी आया और PY, और यहाँ पर आपका PZ के साथ क्या आ गया, DZ। ये जो ऑब्वियसली अगर मैंने इसे XY प्लेन ले लिया इस ट्रायंगल को, तो ये कौन सी एक्सिस हो गई मेरी, Z एक्सिस, और Z एक्सिस है तो एक PZ होगा इसका और दूसरा DZ स्क्वायर होगा, तभी ये संभव है, ठीक है ना। ठीक है जी, चलो अगला लिख लो। तो इतनी जानकारियाँ आपको, हाइब्रिडाइजेशन सिंपल तो है बट ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज अवर SP3 का आपका D2। अब इसमें हमारा एक S,
तीन पी, अगर तीनों पी आ गए हैं तो बोलने की कोई जरूरत ही नहीं बची, पी एक्स भी होगा, पी वाई भी, पी जेड, इसके अलावा डी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी कौन सा, जेड स्क्वायर, है ना। ऐसा क्यों, अभी देख लो ज्योमेट्री में समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से जब ये आपके छः प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, दे विल फॉर्म सिक्स न्यू sp3d2 हाइब्रिड, क्या आपका ऑर्बिटल, दे विल फॉर्म सिक्स न्यू sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक ना। और अब ये ज्योमेट्री जो बनेगी, इस ज्योमेट्री का नाम ही होता है, पहली चीज़ ये भी है किस तरह की ज्योमेट्री है, नॉन प्लेनर। दूसरी चीज है ना, ये इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल का केस है। अब ये भी भैया बातें चालू हो गए तो लिख लें, ज्योमेट्री को आप बुलाते हो क्या, ऑक्टाहेड्रल, ठीक ना, या इसी का दूसरा नाम होता है हमारा स्क्वायर बाई पिरामिडल, ना इसी का दूसरा नाम है आपका स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक ना। तो ये जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये स्पेस में भैया बीच में सेंटर, तो सेंट्रल एटम, चार हॉर्बिट ऑर्बिटल्स इस तरह से एक प्लेन स्क्वायर में अरेंज होते हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऊपर और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ पर, नीचे, और ये आपका स्क्वायर बाय पिरामिडल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ऊपर से भी एक क्या बनाता है आपका पिरामिड, और नीचे से भी एक बनता है क्या हमारा पिरामिड, इट इज लाइक दिस स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब अगर इसमें एंगल्स की बात करेगा ना, एग्जाम्पल की बात करें तो SF6 नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है, तो इसमें भी SF6 की ही बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन बोलेगा तो कितने हो जाएंगे, पांच, शॉर्टकट में लिख दिया है ना, बीच वाला ये और चारों कॉर्नर वाले, मिनिमम पूछ लेगा तो तीन, तब आप ये वाला ले लोगे, तो इसके ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल की बात करेगा तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 90 के भी हैं और 180, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बॉन्डिंग के बाद पढ़ेंगे तो उसमें पता ही आपको खूब ज़रूरत पड़ती है भैया, सिस ट्रांस है ना, जब हम आइसोमेरिज़ को पढ़ते हैं तो 90 वाले कितने एंगल हैं यहाँ पर और 180 वाले कितने हैं, है ना। टोटल एंगल देखो, अभी मैंने बोला एंगल के लिए दो लाइनें होना ज़रूरी है, मतलब एक सेंट्रल एटम और दो सराउंडिंग, तो आपके पास टोटल छः सराउंडिंग एटम हैं, छः में से कोई भी दो लोगे तो 6C2 का मतलब कितना होता है, 15, आपके पास 15 बॉन्ड एंगल है यहाँ पर टोटल, उसमें से 90 डिग्री वाले हैं 12 और 180 डिग्री वाले हैं 3, ठीक है ना। चारों प्लेन वाले 90 वाले 8 नहीं बेटा 12, 180 वाले भी 3, गलत बता रहे हो, 12 कैसे वो 90 वाले, ये चारों प्लेन वाले, ऊपर वाला सभी से 90 पर 8, नीचे वाला भी सभी से 90, चार 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 मतलब कितने 12, और 180 वाले तो हमें दिख ही रहे, है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में खूब ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, ये भी 180, ये भी 180 और ये भी 180, ठीक है ना। 180 वाले 3, 90 डिग्री वाले 12, टोटल एंगल है आपके 15, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल थे,